Hello everyone, good morning. सभी को यहां पर गुड मॉर्निंग, जितने भी लोग सेशन के साथ जुड़ चुके हैं, क्लास को ज्वाइन कर चुके हैं, सभी को गुड मॉर्निंग एंड सभी को सुप्रभात। चलिए करते हैं आज के सेशन की शुरुआत आप सभी स्टूडेंट्स के साथ और शुरू करते हैं आज का मोटिवेशनल कोट ऑफ द डे। आज का मोटिवेशन कोट आप सभी के सामने है और लिखा हुआ है, व्हेन यू हैव अ ड्रीम You have got to grab it and never let go. यानी कि जब भी आप सभी के पास कोई ड्रीम है, कोई सपना है, कोई आपने कोई लक्ष्य यहां पर तय किया है, आपका सपना है इस चीज को हासिल करना, तो कभी भी उसे जाने मत दीजिए। देखिए, सपने जो होते हैं ना, वो जीवन को मायने देते हैं। ठीक है, जीवन में अगर आप देखें कि जब हम सोचने और समझने के हालात में पहुंच जाते हैं, तो वहां पर हम कुछ ना कुछ चाहने लगते हैं, और जब तक वो चाहत हमारी पूरी नहीं होती है, वो सपना बन जाता है, यानी कि ड्रीम बन जाता है, राइट? और फिर हम अपना जीवन उस सपने को पूरा करने के लिए लगा देते हैं। तो कहने का मतलब मेरा बेसिकली आप सभी से यहां पर यही है कि सपने जीवन को मायने देते हैं। अगर आप सोचिए कि जीवन से सपनों को हटा दीजिए एक पल के लिए, सभी लोग, ईच एंड एवरी स्टूडेंट, एक पल के लिए सभी लोग यहां पर जीवन में भूल जाइए कि आपका कोई सपना है, आपका कोई ड्रीम है, भूल जाइए। मतलब जितनी भी चाहते हैं, जितनी भी इच्छाएं हैं, वो सभी भी सपना ही हैं, क्योंकि जो चीज आपको अभी तक मिली नहीं, वो आपके लिए एक तरीके से ड्रीम ही तो है। तो भूल जाइए हर चीज को। अब सोचिए, अब आपको क्या लग रहा है कि क्या जीवन में कुछ भी ऐसा है जो मजेदार है? क्या अब भी कुछ ऐसा है जीवन में जो आपको जीवन जीने के लिए प्रेरित करे? तो मुझे लगता है आंसर इज नो। हर पल हर वक्त हमारे जीवन में ये चलता रहता है कि मैं ये चीज कैसे हासिल करूं, मैं वो चीज कैसे हासिल करूं, मैं ये ड्रीम अपना कैसे पूरा करूं, ठीक है, मैं नौकरी कैसे हासिल करूं। देखिए, बहुत सारे सपने होंगे पहले की, नौकरी हासिल करनी है, गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद फिर मेरे सपने ये हैं, फिर मैं इन ड्रीम्स को पूरा करूंगा या करूंगी, राइट? तो अब आप सोचिए कि अगर सपने ही नहीं है, ड्रीम से ही नहीं है, तो जीवन में ऐसा लग रहा है एक अजीब सा स्पेस, एक अजीब सा खालीपन होगा, यानी कि कुछ भी अब आपको सोचने समझने की हालत में आप नहीं होंगे कि सर क्या सुबह उठना है, खाना खाना है, ब्रेकफास्ट करना है, टीवी देखना है, शाम को थोड़ा सा मोबाइल चलाना है और फिर सो जाना है। डेली बेसिस पर आपको यही रूटीन करना है। अब आप सोचिए कि आप सोचेंगे कि हाँ यार, ये तो कुछ भी नहीं है, मतलब कि बिल्कुल इतना खालीपन है, इतना स्पेस है, तो बिना सपनों के इस जीवन के बारे में सोचना भी अपने आप में बड़ा ही बोरिंग लगता है, या जीवन में कुछ भी नहीं लगता जब सपने नहीं होते, या अगर हम अपनी चाहतों को, अपने सपनों को हटा दें तो हमारे जीवन में, हमारे जीवन को मायने देने वाला कुछ भी नहीं है, यानी कि जीवन में और कुछ भी नहीं है, यही सारी चीज है। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं कि हाँ सर, बात तो सही है ना? कितने लोगों ने इमेजिन किया और उन्हें लगा कि हाँ बात सही है, देन से यस एंड गुड मॉर्निंग टू ईच एंड एवरीवन। जितने भी लोग यहां पर जुड़ चुके हैं, सेशन को ज्वाइन कर चुके हैं, सभी को गुड मॉर्निंग। एक बार फटाफट से सेशन को लाइक कीजिएगा, पहला जरूरी काम जो आप सभी को यहां पर बनता है। सेशन को सभी लोग, ईच एंड एवरीवन, सभी लोग फटाफट से सेशन को लाइक कीजिएगा और फटाफट से सेशन की लिंक को एक बार शेयर भी यहां पर कर दीजिएगा। डू लाइक एंड शेयर द सेशन। गुड मॉर्निंग हिमानी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, और पहला क्वेश्चन आज के सेशन का आप सभी के सामने ये रहा, तो आराम से क्वेश्चन को रीड कीजिएगा और आंसर यहां पर देना शुरू कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर वन, हु बिकेम द फर्स्ट राइडर टू विन इंडियाज इनॉग्रल इंडियन ऑयल ग्रैंड प्रिक्स एट द बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट इन ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट में भारत का पहला जो इंडियन ऑयल ग्रैंड प्रिक्स यहां पर जीती है, वो किस राइडर ने आपकी यहां पर जीती है? राइडर का नाम यहां पर क्या बनता है? पांच ऑप्शन,
राइडर का नाम यहां पर क्या बनेगा? पांच ऑप्शन आप सभी के सामने कि रिसेंटली किस राइडर ने यहां पर जो बुद्धा इंटरनेशनल रेसिंग ट्रैक ग्रेटर नोएडा में जो बेसिकली आपकी मोटो जीपी रेस का आयोजन किया गया था, उस मोटो जीपी रेस, ये भारत की पहली मोटो जीपी रेस थी और इसका विजेता कौन सा राइडर आपके यहां पर बना है? तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आपके यहां पर बनेगा ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर ई मार्को। मैक्सिमम लोगों ने आंसर यहां पर दे दिया है ऑप्शन नंबर ई, यहां पर बिल्कुल सही जवाब आपके यहां पर बनता है मार्को बेचेजी। नाम थोड़ा सा डिफरेंट है, मार्को बेचेजी, बेजेची नॉट बेचेजी, इट्स बेजेची। ओके, यहां पर एक तस्वीर भी आप लोग देख सकते हैं, इस तस्वीर में उत्तर प्रदेश के वर्तमान चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ आपको यहां पर नजर आ जाएंगे और योगी आदित्यनाथ यहां पर ट्रॉफी देते हुए नजर आ रहे हैं मार्को बेजेची को, क्योंकि वो विजेता बने हैं, राइडर यहां पर नंबर वन राइडर बने हैं मोटो जीपी रेस के, तो वो उनको यहां पर ये ट्रॉफी देकर सम्मानित करते हुए नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर में आपको इंडियन ऑयल कंपनी का लोगो भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इंडियन ऑयल कंपनी यहां पर स्पॉन्सर आपकी यहां पर थी मोटो जीपी रेस की, टाइटल स्पॉन्सर कौन थी? इंडियन ऑयल। तो ये भी साथ ही साथ याद रखिएगा, ठीक है। नाम रहेगा मार्को बेजेची, इन्होंने क्लिंच द इनॉग्रल इंडियन ऑयल ग्रैंड प्रिक्स ऑफ इंडिया, टाइटल इन्होंने आपके यहां पर जीत लिया है। मार्को बेजेची बिकेम द फर्स्ट राइडर टू विन द इनॉग्रल इंडियन ऑयल ग्रैंड प्रिक्स ऑफ इंडिया, जो कि 24 सितंबर को यहां पर फाइनल रेस हुई और उसके विजेता बने। राइडिंग द मुनी, ये राइडिंग किस टीम से बिलोंग करते हैं? तो ये टीम का नाम बनता है राइडिंग द मुनी VR46 रेसिंग टीम टू द टॉप ऑफ द पोडियम एट द बुद्धा इंटरनेशनल रेसिंग सर्किट इन ग्रेटर नोएडा। तो टीम का नाम भी थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा कि टीम है इनकी मुनी VR46 रेसिंग टीम की तरफ से, इन्होंने रेस आपके यहां पर ली थी और ये इसके विजेता आपके यहां पर बने बुद्धा इंटरनेशनल रेसिंग ट्रैक ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में। और मोटो जीपी की ये जो रेस आपके यहां पर बनती है, ये यूपी की पहली मोटो जीपी रेस आपके यहां पर थी, ये भी साथ ही साथ याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, इंडियन ऑयल के बेसिकली एक्स्ट्रा तेज ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर आपके संजीव कपूर साहब हैं, जाने माने शेफ, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। आगे बात करते हैं, तो बस ये पॉइंट याद रखिएगा, ये इसके विजेता बन चुके हैं, इसके विनर बन चुके हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर दीजिएगा और आराम से इसे रीड कीजिएगा और आंसर दीजिएगा। भरतपुर एंड मथुरा हैव रिप्लेस्ड जमतारा एंड नूह एज द Notorious cyber crime hotspots in India, according to a new study by which IIT incubator startup. किस IIT incubated startup ने, ध्यान से पहले क्वेश्चन को रीड कर लीजिएगा, किस IIT incubated startup के एक नए अध्ययन के अनुसार भरतपुर और मथुरा ने भारत में कुख्यात साइबर अपराध हॉटस्पॉट के तौर पर जमताड़ा और नूह की जगह आपकी यहां पर ले ली है। आपने जमतारा का नाम जरूर सुना होगा, साइबर क्राइम को लेकर जमतारा और नूह की जगह अब यहां पर एक नए आईआईटी इनक्यूबेटेड स्टार्टअप ने जो अपना अध्ययन किया है सर्वे, तो अब जमतारा और नूह की जगह राजस्थान का भरतपुर और उत्तर प्रदेश का मथुरा, ये साइबर अपराध के हॉटस्पॉट के तौर पर उभर कर सामने आया है। आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली और इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही जवाब बनता है आपका आईआईटी कानपुर। यहां पर साइबर क्राइम की बात हो रही है। न्यूज डिस्कस करने से पहले मुझे आप लोग जरा ये बताइए कि एक वेब सीरीज आई थी, आई थिंक मूवी थी या वेब सीरीज थी, आई थिंक वेब सीरीज थी, और वो वेब सीरीज थी जिसका नाम था, शायद उसका नाम जमतारा ही था। हाँ, वेब सीरीज का नाम जमतारा ही था। कितने लोगों ने वो वेब सीरीज देखी थी जमतारा? हमारे देश में क्या हो रहा है, हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है, इससे आपको समझ में आता है सारी चीजें। जमतारा बेसिकली झारखंड की एक लोकेशन है, झारखंड का बेसिकली एक जिला है जमतारा, जे फॉर झारखंड, जे फॉर जमतारा, याद करने में आसानी होगी। और साइबर क्राइम को लेकर जमतारा बड़ा ही पॉपुलर है। किसी ने भी नहीं देखी, अच्छा सुनी थी कि नहीं सुनी थी, मतलब जमतारा के बारे में सुना है कि नहीं, कितने लोगों ने जमतारा वो वेब सीरीज के बारे में सुना था? नहीं देखी कोई बात नहीं, सुना था। अब देखिए, साइबर क्राइम की अगर बात यहां पर कर लेते हैं, तो आप लोगों ने फेक कॉल्स तो जरूर सुनी होंगी। फेक कॉल्स क्या है? मतलब आपके पास एक कॉल आती है, कहते हैं सर आपका जो बैंक अकाउंट है, आपका KYC कंप्लीट नहीं हुआ है, तो फिर आपका क्या होने वाला है, आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, तो आप हमें फटाफट से आपका KYC हम आपका कर देते हैं, आप हमें अपने डेबिट कार्ड का पिन बताइए, डेबिट कार्ड का नंबर बताइए। लोग ज्यादा अवेयर नहीं होते थे, वो अपने डेबिट कार्ड का नंबर और CVV कोड, यानी कि
कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, एक सीवीवी कोड होता है आपके डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के पीछे, 3 डिजिट का एक कोड होता है, उसे सीवीवी कोड बोलते हैं। ये बहुत ही सेंसिटिव होता है, ये सभी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, ठीक है, किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहिए, ये आपके पर्सनल यूज के लिए होता है। इवन अगर बैंक का एम्प्लॉय भी है, रियल बैंक का एम्प्लॉय भी है, तब भी वो आपसे डेबिट कार्ड की डिटेल्स नहीं पूछ सकता। तो फेक कॉल्स आती हैं कि सर आपकी लॉटरी लगी है ना, आपको यहाँ पर हम मारुति वैगनार देने वाले हैं, इसके लिए कुछ वेरिफिकेशन करनी होगी। आप कहेंगे हाँ हाँ बताओ, और ये सारी चीजें, आपके में ओटीपी आया होगा, ओटीपी हमें बताइए। तो इस तरीके की फेक लिंक से वो क्या करते हैं, लोगों के अकाउंट खाली करते थे, सुना था कि नहीं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अर्पिता मकवाना, गुड मॉर्निंग। तो बस ये सारे काम होते हैं, यही होता है आपका साइबर क्राइम, यानी कि आपसे ऑनलाइन ठगी जिसको कहा जाता है, ठीक है, आपकी बैंक डिटेल्स ले ली, आपकी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड डिटेल्स लेंगी ले लेंगे, और उससे आपका अकाउंट खाली हो जाएगा, या फिर आपके डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग हो जाएगी, पैसे उससे निकाल लिए जाएंगे, ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सुमित आर्या जी, गुड मॉर्निंग, क्लियर है। तो राजस्थान का अब यहां पर देखिएगा, जमतारा उतना पॉपुलर नहीं है जितना अब यहां पर हॉटस्पॉट के तौर पर राजस्थान का भरतपुर, यानी कि एक डेटा, एक स्टडी में सामने आया है कि ये सारे के सारे जो स्पैम कॉल्स होते हैं, साइबर क्राइम होते हैं, इसका नया अड्डा, नया ठिकाना राजस्थान का भरतपुर बन चुका है, और उत्तर प्रदेश का मथुरा शहर भी साइबर क्राइम का नया अड्डा बन चुका है। इन्होंने रिप्लेस कर दिया है झारखंड के जमतारा को और हरियाणा के नूह को। इससे पहले झारखंड का जमतारा और हरियाणा भारत में टॉप पोजीशन पर थे, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इंडिया में 80% साइबर क्राइम्स जो रिपोर्टेड होते हैं, रिपोर्टेड इन द सेंस कि जो केसेस रिपोर्ट होते हैं, रजिस्टर होते हैं, जिनके बारे में हमें पता है, अगर कोई या किसी के साथ साइबर क्राइम हुआ है, अगर वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन ना दे तो बात अलग है, लेकिन 80% जो इंडिया में साइबर क्राइम्स आपके यहां पर होते हैं, वो भारत के मात्र 10 जिलों से होते हैं। अगर हम इन 10 जिलों में साइबर क्राइम को कंट्रोल कर लें, तो इंडिया के टोटल 80% साइबर क्राइम को कंट्रोल किया जा सकता है। ये भारत के मात्र 10 जिलों से होते हैं, ठीक है। तो सोचिए, मैंने जमतारा फिल्म देखी थी अपनी नॉलेज के लिए ही, जमतारा फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरीके से कुछ बच्चों को इसकी नॉलेज होती है, जो बाहर से आए हुए होते हैं, उनको साइबर क्राइम की थोड़ी बहुत नॉलेज होती है, और फिर वो क्या करते हैं, अपने दोस्तों के साथ इस नॉलेज को शेयर करते हैं, एक टीम बनाते हैं, और फिर उस टीम के हर मेंबर को पता चलता है कि किस तरीके से लोगों को ठगना है, किस तरीके से लोगों के साथ जालसाजी करनी है या साइबर क्राइम करना है। फिर आगे चल के ये लोग दूसरों को बताते हैं, और इस तरीके से धीरे धीरे पेनिट्रेशन होता है, मतलब इसको बढ़ावा मिलता है, ठीक है। तो यहां पर अब भारत के दो सबसे पॉपुलर जो हॉटस्पॉट हो चुके हैं, नंबर वन, नंबर टू, नंबर वन पोजीशन पर राजस्थान का भरतपुर साइबर क्राइम में टॉप पोजीशन पर, साइबर क्राइम में टॉप पोजीशन पर होने का मतलब बेसिकली यहां पर यह नहीं है कि यहां के लोगों से सबसे ज्यादा साइबर क्राइम हुआ है ना, ये इसका मतलब यह है कि सबसे ज्यादा साइबर क्राइम जो होते हैं, मतलब किए जाते हैं, वो भरतपुर से किए जाते हैं। समझ में आ रही मेरी बात, मतलब भरतपुर से साइबर क्राइम हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मथुरा से साइबर क्राइम पूरे भारत में हो रहे हैं। समझ में आ रही मेरी बात, यहां से साइबर क्राइम हो रहे हैं, किए जा रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, ठीक है। एज द इनफेमस हॉटस्पॉट्स ऑफ द साइबर क्राइम इन इंडिया अकॉर्डिंग टू अ न्यू स्टडी, एक नई स्टडी आपकी यहां पर सामने आई है, बाय द आईआईटी कानपुर इंक्यूबेटेड स्टार्टअप के द्वारा ये स्टडी की गई है, जिसमें बात यहां पर समझ में आई है, क्लियर है। हमारे देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन, डिजिटल बैंकिंग तो बहुत तेजी से हो रहा है, लेकिन जितना तेजी से डिजिटल बैंकिंग और डिजिटल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, उतना ही ज्यादा लोग यहां पर ठगी के शिकार भी हो रहे हैं। यानी कि जितना ज्यादा आप अवेयर हैं कि हमें कैसे ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करने हैं सारी चीजें, उतना ही अवेयर आपको रहना होगा कि कैसे आपके साथ साइबर क्राइम ना हो सके। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई सभी को। द स्टडी ऑल्सो रिवील दैट द टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट्स कलेक्टिवली कॉन्ट्रीब्यूट द 80% ऑफ द साइबर क्राइम्स इन द कंट्री। भारत में जितना भी साइबर क्राइम होता है, देश के अलग अलग हिस्सों में जितने भी साइबर क्राइम रिकॉर्ड होते हैं, उसका 80% क्राइम यहीं से होता है, इन 10 जिलों से होता है। इन्हीं 10 जिलों में बैठे लड़के साइबर क्राइम करते हैं और पूरे हिंदुस्तान के लोगों के साथ ठगी करते हैं,
ऑनलाइन स्पैम कॉल्स, ओटीपी मांगना, लिंक जनरेट करना, या फिर आपके मोबाइल पर कोई लिंक आएगी, आपने उस पर क्लिक किया, अपनी डिटेल भरी और आपके अकाउंट से पैसे गायब, आपके बैंक अकाउंट से कुछ पैसे कटे, आपने कस्टमर केयर नंबर ढूंढा, ये भी एक सबसे आसान तरीका है। फेक कस्टमर केयर नंबर्स आपके बनाए जाते हैं और उनको रजिस्टर करा दिया जाता है वेबसाइट पर वगैरह पर। तो जैसे ही आपने कस्टमर केयर का नंबर सर्च किया गूगल पर, या आपने अमेजोन या फ्लिपकार्ट से आपने कोई भी प्रोडक्ट मंगाया, अब आप उसे रिटर्न करना चाहते हैं या उसका आप रिफंड पाना चाहते हैं, तो ऐसे में आपने सर्च किया कि फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर, और जो फेक वेबसाइट्स होती हैं वो ऊपर आ जाती हैं, उनमें से आप क्या करते हैं, तुरंत कस्टमर केयर का नंबर लेते हैं और कॉल करते हैं। वो आपको एक लिंक भेजता है, सर इसमें डिटेल भर दीजिए। आपने डिटेल भर दी, सर हम आपको रिफंड देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम क्या करें सर, हमारे पास आपकी बैंक डिटेल ही नहीं है। सर 1,000 रुपये आपका रिफंड बनता है, हम आपको 1,000 रुपये दे देंगे, सर आप अपनी बैंक डिटेल शेयर कीजिए जिसमें आप ये रिफंड चाहते हैं। लोग खुशी खुशी 1,000 रुपये मिल रहे हैं हमारे, 1,000 रुपये रिफंड हो रहे हैं, सारी बैंक डिटेल दे देते हैं। अरे भाई अकाउंट नंबर शेयर कीजिए, इसके अलावा कुछ भी शेयर करने की जरूरत नहीं होती। अगर किसी व्यक्ति को पैसे ट्रांसफर करने हैं तो ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए, अकाउंट नंबर चाहिए, या आप वहां पर पेटीएम नंबर दे सकते हैं, बस अकाउंट नंबर या पेटीएम नंबर देना है। अकाउंट नंबर के साथ साथ आईएफएससी कोड, ठीक है, आईएफएससी कोड से भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जब आप अपनी अदर डिटेल दे देते हैं, अपना नाम दे देते हैं, अपना बर्थ डेट दे देते हैं, पैन कार्ड की डिटेल दे देते हैं, आधार नंबर दे देते हैं, तो सब कुछ तो दे दिया, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की डिटेल, इवन सीवीवी नंबर भी दे दिया, तो फ्रॉड होना तो लाजमी है। द फाइंडिंग्स हैव बीन मेंशन्ड बाय द फ्यूचर क्राइम रिसर्च फाउंडेशन, अ नॉन प्रॉफिट स्टार्टअप इंक्यूबेटेड एट द आईआईटी कानपुर। तो बेसिकली यहां पर ये जो रिपोर्ट निकलकर सामने आई है फ्यूचर क्राइम रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा, जो कि एक नॉन प्रॉफिट स्टार्टअप आपके यहां पर है, जो कि आईआईटी कानपुर के द्वारा इंक्यूबेटेड है, उसने अपनी लेटेस्ट कॉम्प्रिहेंसिव व्हाइट पेपर, जिसका नाम उन्होंने रखा है अ डीप डाइव इनटू साइबर क्राइम ट्रेंड्स इंपैक्टिंग इंडिया, इस व्हाइट पेपर में ये बात निकल कर सामने आई है कि भारत के जो top 10 districts हैं, अब ये top 10 districts आप यहां पर देखिए, number 1 position पर भरतपुर आता है। देश में जितना भी साइबर क्राइम होता है उसका 18% साइबर क्राइम भरतपुर से किया जाता है, यहां पर बैठे लोग साइबर क्राइम करते हैं, तो भरतपुर से 18% साइबर क्राइम होता है, मथुरा से 12% साइबर क्राइम होता है, नूह से 11% साइबर क्राइम होता है, देवघर डिस्ट्रिक्ट से 10%, जमतारा झारखंड 9.6%, गुरुग्राम से 8% के आसपास, अलवर से 5% के आसपास, बोकारो से 2.4, कर्माटन से 2.4 और गिरिध नाम की जगह से 2.3 है। तो ये हैं भारत के top 10 districts, इवन इनमें से कुछ जिलों के तो नाम भी नहीं सुने, गिरिध और कर्माटन, तो ये तो नाम भी नहीं सुने हैं, बाकियों के नाम सुने होंगे। ये हैं भारत के top 10 जिले जहां से सबसे ज्यादा साइबर क्राइम आपके यहां पर होता है। द टॉप कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू द साइबर क्राइम केसेस इन इंडिया, ये भारत में टॉप कॉन्ट्रीब्यूटर आपके यहां पर बनते हैं, ठीक है। इन एडिकेट नो योर कस्टमर KYC एंड वेरिफिकेशन प्रोसेस, सुन लीजिए जरा ध्यान से कि क्या क्या प्रोसेस बोल के वो आपसे साइबर क्राइम करते हैं। एक तो वो आपसे बोलेंगे कि आपके बैंक अकाउंट का KYC नहीं है सर, नो योर कस्टमर, यानी कि आपका आधार और आपका पैन कार्ड वहां पर चाहिए होगा, जिससे आपकी आइडेंटिटी और आपका एड्रेस वेरिफिकेशन हो सके। तो केवाईसी के नाम पर आपके पास फेक कॉल आ सकती है, और कभी भी केवाईसी आपका डायरेक्ट मोबाइल पर नहीं होता, आप खुद बैंक की वेबसाइट पर जाकर अपना केवाईसी कर सकते हैं या ब्रांच में जाकर केवाईसी कर सकते हैं। केवाईसी के लिए सारी डिटेल्स आपसे नहीं मांगी जाती फोन पर, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो केवाईसी वेरिफिकेशन के नाम पर आपके पास कॉल्स आती हैं, ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स इनेबल क्रिमिनल्स टू क्रिएट फेक आइडेंटिटीज, और वो क्या करते हैं कि अपनी एक फेक आइडेंटिटी यहां पर क्रिएट करते हैं, मेकिंग इट चैलेंजिंग फॉर लॉ एनफोर्समेंट टू ट्रेस देम। ये लोग अपनी भी आईडी यहां पर बहुत ही फेक क्रिएट करके रखते हैं, गलत नाम, गलत आईडी, गलत नंबर पर सिम या गलत नाम पर सिम लेकर रखते हैं, तो इनको ट्रेस करना भी बड़ी मुश्किल होता है। व्हाइल इजी एक्सेस टू फेक accounts and rented SIM cards,
यानी कि ये जो सिम कार्ड्स लेते हैं, रेंटेड सिम कार्ड्स होते हैं या फिर किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर सिम कार्ड्स होते हैं, इनके अकाउंट्स भी यहाँ पर फेक होते हैं ऑन द ब्लैक मार्केट, यानी कि ब्लैक मार्केट काला बाजारी से ये सिम खरीदते हैं किसी दूसरे के नाम पर, उसके नाम पर ठगी करते हैं। अलाउ ठग्स टू ऑपरेट एनोमियसली कॉम्प्लिकेटिंग द एफर्ट्स टू द प्रोसिक्यूट देम। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि क्योंकि ये लोग यहाँ पर फेक आईडी, फेक अकाउंट बनाकर फेक सिम से यहां पर कॉल करते हैं, तो आइडेंटिफाई करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक बात मैं आपको और बोल रहा हूं, जब भी आप फोटोकॉपी कराने जाएं किसी भी शॉप पर, किसी भी नई दुकान पर, तो थोड़ा सा ध्यान रखें कि जो आपकी आधार कार्ड है या पैन कार्ड है उसकी जेरोक्स आपने ले ली, लेकिन ध्यान रखें कि कहीं इसका जेरोक्स उसने अलग से तो नहीं निकाला है, क्योंकि आईडी उस वगैरह से भी होता है। तो थोड़ा सा अपना आईडी और जो उनकी फोटोकॉपीज होती हैं आधार कार्ड की, पैन कार्ड की, उनका इस्तेमाल थोड़ा सा ध्यान से और सोच समझ के करें। आप सभी के लिए एक बड़ी अच्छी हिंट बता देता हूं जो आपके काम आएगी। आपने आधार कार्ड देखे होंगे, सबके पास आधार कार्ड होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, दो तरीके के आधार कार्ड होते हैं। एक आधार कार्ड होता है जिसके नीचे पूरा का पूरा 12 डिजिट का आधार नंबर लिखा होता है, ठीक है। एक आधार कार्ड होता है जिसमें नीचे पूरा आधार नंबर लिखा होता है, वो आप कुछ ही जगहों पर यूज करिए जहां पर आधार नंबर की आवश्यकता हो, बाकी केवल दिखाने के लिए, या होटल में रुकना है या कुछ करना है, ये सारी चीजें, या जहां पर जरूरत नहीं है आधार नंबर की, केवल नाम वेरिफिकेशन के लिए है, तो एक सीक्रेट आधार भी आता है। मतलब जिसमें क्या होता है कि आधार के सारे डिजिट्स नहीं होते, केवल आधार के 4 डिजिट ही होते हैं, ठीक है, बाकी के डिजिट्स आपके छिपे हुए होते हैं। तो ये आपके लिए एक अच्छा तरीका हो सकता है। तो आप जहां पर केवल नाम वगैरह दिखाकर वेरीफाई करने की जरूरत है, तो वहां पर आप ये छिपे हुए नंबर वाला आधार यूज कीजिए। इसे आप UIDAI की आईडी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अपने पास दो आधार कार्ड रखिए, एक फुल नंबर वाला आधार कार्ड जिसमें सारे नंबर्स होते हैं, और एक हाइड नंबर वाला आधार कार्ड जिसमें केवल 4 ही डिजिट दिखते हैं, बाकी डिजिट हाइड होते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं। हाँ, उसे मास्क आधार बोलते हैं, जिसमें आपके बाकी के नंबर मास्क की तरह छुपे होते हैं, तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है मेरी बात? ओके देन, क्लियर है सभी को? चलिए आगे बात करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चलिए अब क्वेश्चन का डिस्कशन यहां पर स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर देना शुरू कीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग, मैं अपनी पोजीशन यहां पर चेंज कर लेता हूं, मैं अपनी पोजीशन यहां पर चेंज कर लेता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज स्टॉप द इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2021 एनुअल रिपोर्ट। ध्यान से आंसर दीजिएगा। विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता 2021 की वार्षिक रिपोर्ट में निम्नलिखित में से कौन सा देश आपका टॉप पोजीशन पर है? 5 ऑप्शन बताइएगा सही जवाब। मास्क आधार सभी लोग रखिए अपने पास, इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। ठीक है, चलो फटाफट फटाफट आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नंबर 1 पोजीशन पर कौन सा कंट्री रहा इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड? बेसिकली यहां पर कंट्रीज की फ्रीडम, ये जो इंडेक्स आपके यहां पर बनता है, ये कंट्रीज की फ्रीडम को, स्वतंत्रता को इवेल्युएट करता है, तो बताएगा कि यहां पर दुनिया में अगर हम बात करें आर्थिक स्वतंत्रता, कौन सा कंट्री इकोनॉमिकली या फिर किस कंट्री की अर्थव्यवस्था कितनी ज्यादा फ्री है, ठीक है, काम करने के लिए इकोनॉमिक फ्रीडम आपको यहां पर कितनी मिलती है, उस आधार पर सिंगापुर दुनिया में नंबर 1 पोजीशन पर है, टॉप पोजीशन पर है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हियर, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन हैज रिलीज द इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2021 एनुअल रिपोर्ट? किस संस्था ने विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता 2021 वार्षिक रिपोर्ट को आपके यहां पर जारी किया है? ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपके यहां पर क्या बनेगा?
वर्ल्ड बैंक ने इस रिपोर्ट को जारी किया था या फिर फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया था या फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया था, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया था या फिर मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया था। पांच ऑप्शन बताएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का बनता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा इस रिपोर्ट को आपके यहां पर जारी किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हियर। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री वॉज रैंक लास्ट इन द इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2021 एनुअल रिपोर्ट। विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता 2021 वार्षिक रिपोर्ट में कौन सा देश अंतिम स्थान पर मौजूद है, लास्ट पोजीशन पर आपका मौजूद था, सबसे लास्ट था इस इंडेक्स में, रशिया, वेनेजुएला, अल्जीरिया, लीबिया और सूडान। पांच ऑप्शन सही जवाब। कौन सा कंट्री इस पर्टिकुलर इंडेक्स में सबसे लास्ट पोजीशन पर मौजूद था, तो लास्ट पोजीशन पर रहने वाले कंट्री का नाम, नहीं चाइना लास्ट पोजीशन पर नहीं था, चाइना रिपर्णा बता रही है कि 111वें स्थान पर आपका यहां पर रहा, और वेनेजुएला की रैंक जो आपके यहां पर रही वो रही ऑप्शन नंबर बी, वेनेजुएला सबसे लास्ट पोजीशन पर रहा। टोटल 165 कंट्रीज का यहां पर इंडेक्स था और वेनेजुएला की रैंकिंग आपकी 165 आपके यहां पर बनेगी। क्लियर है? क्लियर है। साथ ही साथ मुझे यहां पर लिखकर बताइएगा कि इंडिया की रैंक इस पर्टिकुलर इंडेक्स में, रिपोर्ट में इंडिया की रैंक आपके यहां पर कितनी थी, तो अलग से कमेंट सेक्शन में लिखकर यहां पर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विल ऐड इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स टू इट्स इमर्जिंग मार्केट बॉन्ड इंडेक्स। किस वित्तीय संस्थान ने अपने उभरते बाजार में बॉन्ड सूचकांक में भारत सरकार के बॉन्ड को ऐड किया है, यानी कि उनकी जो बॉन्ड इंडेक्स है उस बॉन्ड इंडेक्स का 10% जो हिस्सा होगा वो भारतीय बॉन्ड्स को दिया जाएगा, ठीक है? तो उस मार्केट में अब इंडियन बॉन्ड्स को भी इंडेक्स में शामिल कर लिया गया है, जो लोग इंडियन बॉन्ड्स खरीदना चाहते हैं वो इंडियन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसको ट्रैक किया जा सकता है इंडेक्स के माध्यम से। तो रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड ने मार्केट बॉन्ड इंडेक्स में इंडियन बॉन्ड्स को शामिल किया है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने, HSBC ने, JP मॉर्गन ने या फिर अमेरिकन एक्सप्रेस ने। पांच ऑप्शन सही जवाब। क्वेश्चन नंबर फोर इसका सही जवाब बनता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि JP मॉर्गन, और लिमिट आपकी 10% की ही थी कि इस बॉन्ड इंडेक्स में किसी भी कंट्री स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो 10% से ज्यादा किसी एक पर्टिकुलर देश के इंडेक्स का हिस्सा नहीं हो सकता, बॉन्ड का हिस्सा नहीं हो सकता, इसलिए इस बॉन्ड इंडेक्स में 10% जो हिस्सा होगा वो इंडियन बॉन्ड्स का आपका यहां पर होगा। JP मॉर्गन ने रिसेंटली इसको इंडियन बॉन्ड्स को आपका इसमें ऐड किया है। क्या JP मॉर्गन मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से, MCAP के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा बैंक भी आपका यहां पर है? से यस और नो। आज न्यूज के साथ बड़ा दुखद हुआ, ठीक है? कम से कम मैंने 6 या 7 न्यूज यहां पर क्रिएट करी थी जिसमें एशियन गेम्स में भारतीय महिला टीम ने जो क्रिकेट में गोल्ड मेडल जीता है वो भी कवर किया था, फर्स्ट गोल्ड मेडल जो भारतीय टीम ने जीता है 10 मीटर एयर राइफल में, है ना, गोल्ड मेडल, भारत अब तक 2 गोल्ड मेडल जीत चुका है, वो वाली न्यूज भी आपकी इसमें कवर कर ली थी एशियन गेम्स की। और इसके अलावा 2 न्यूज ये हो गई जो डिस्कस की हैं, 2 न्यूज ये हो गई, 4 इसके अलावा 3 अदर न्यूज भी आपकी यहां पर इसमें शामिल थी, जिसमें दिल्ली में भी, न्यू दिल्ली में भी आपकी यहां पर हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाली जो बस है वो भी आपकी यहां पर लॉन्च हो गई है। तो ऐसी टोटल 7 न्यूज थी, ठीक है, जिनको मैंने क्रिएट किया था, लेकिन तभी सिस्टम हैंग हो जाता है। टेक्नोलॉजी जब तक सब सही है तब तक तो बढ़िया है, लेकिन जब टेक्नोलॉजी आपको ठेंगा दिखाती है कि ऐसा है कि हम खराब हो गए हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपकी, मतलब आप इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि इतनी गुस्सा आता है, और जब वापस से सिस्टम रीस्टार्ट और सारी चीजें उसको अपडेट किया तो पता चला कि सेम केवल 2 ही न्यूज थी, बाकी सारी न्यूज आपकी गायब हो गई। सेव केवल 2 ही न्यूज थी, ठीक है, बाकी की 5 उड़ गई, और ऐसा उड़ी कि अब वो वापस भी नहीं आ सकती, ठीक है? तो क्योंकि हम लोग एक अलग सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, दैट्स वाई कि रिट्राइव करना भी बड़ा मुश्किल है, तो वो 5 न्यूज उड़ गई। अब टेक्नोलॉजी क्या होता है कि जब अच्छे से काम करती है तो बड़ा अच्छा लगता है, अरे वाह कितना इजीली हो रहा है, अरे वाह कितना स्मूथ काम हो रहा है, अरे बढ़िया बढ़िया, और जब टेक्नोलॉजी ने कहा कि थोड़ी देर के लिए हम रेस्ट कर लेते हैं तो उतने में ही क्या होता है कि सब गड़बड़ हो जाता है। वही हुआ आज मॉर्निंग में। तो 5 न्यूज आपकी उड़ गई हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि भारत ने एशियन गेम्स में 2 गोल्ड मेडल आपके यहाँ पर जीत लिए हैं, 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीता है, क्रिकेट
में भी गोल्ड मेडल जीता है, श्रीलंका को हराया भारत ने, और गोल्ड मेडल आपके यहाँ पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने हासिल कर लिया है। अब मेल क्रिकेट टीम से भी हमें पूरी उम्मीद है कि मेल क्रिकेट टीम भी हमें गोल्ड मेडल लाकर देगी एशियन गेम्स में। तो ये सब न्यूज़ कवर की थी। दिल्ली में भी जैसे कि आपको याद होगा कि लेह लद्दाख में जो आपकी हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाली बसेस हैं वो आपकी लॉन्च की गई थी ट्रायल मोड में, 5 दिल्ली में भी इनकी शुरुआत आपके यहाँ पर हो गई है, तो इनको भी मैंने कवर किया था, बट क्या ही करें। ठीक है, तो आगे बढ़े। यस, अब इसके लिए क्या ही कर सकते हैं। चलिए, समय इतना नहीं था कि वापस उनको वापस से रिक्रिएट किया जा सके। ठीक है, तो वापस से जो दो न्यूज बची थी उन्हीं का हिंदी और वो सारी चीजें करके आपके सामने आ गए। ठीक है, तो जेपी मॉर्गन इज द राइट आंसर है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से जेपी मॉर्गन विश्व का सबसे बड़ा बैंक बनेगा। ठीक है, और एचएसबीसी जो एचडीएफसी बैंक, इंडिया का एचडीएफसी बैंक है, वो मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बैंक आपके यहां पर बन जाएगा। क्लियर है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से आंसर दीजिएगा। इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड, भारत सरकार के जो बॉन्ड्स आपके यहां पर होंगे, विल बी एडेड टू द जेपी मॉर्गन इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स। सो वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द जेपी मॉर्गन चेज एंड कंपनी। भारत के या भारतीय सरकारी बॉन्ड्स को जेपी मॉर्गन इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में जोड़ा गया है। जेपी मॉर्गन चेज एंड कंपनी का जो हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है वो कहां पर लोकेटेड है? 5 ऑप्शन सही जवाब, 5 ऑप्शन सही जवाब। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, फटाफट से लिखकर यहां पर बताइएगा। आपके मन में सवाल जरूर होगा कि सर बॉन्ड किन्हें कहते हैं, तो यहां पर बात लिखी हुई है कि ये इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स आपके यहां पर बनते हैं। राइट, ये कौन से बॉन्ड्स हैं? ये इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स आपके यहां पर बनते हैं, भारत सरकार के बॉन्ड्स आपके यहां पर बनते हैं। बॉन्ड्स के माध्यम से सरकार और सरकारी कंपनियां मार्केट से, पब्लिक से लोन उठाती हैं, और ये लोन के अमाउंट के एवज में इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज यहां पर इंटरेस्ट पे किया जाता है, ब्याज आपका यहां पर पे किया जाता है। राइट, तो अगर 5 लाख रुपए का बॉन्ड है तो सरकार ने उसमें बोला कि हम 6% आपको या फिर 8% आपको यहां पर इंटरेस्ट पे करेंगे। तो जो बॉन्ड होता है, बॉन्ड एक इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके माध्यम से आप यहां पर सरकारों को, कंपनियों को एक तरीके से लोन दे सकते हैं, और लोन दिए गए अमाउंट के एवज में आपको एक फिक्स इंटरेस्ट रेट हर साल मिलता रहता है। इस इंस्ट्रूमेंट को बॉन्ड आपका यहां पर कहा जाता है। सही जवाब इस क्वेश्चन का आपके यहां पर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपका इस कंपनी का हेडक्वार्टर आपका न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका में लोकेटेड है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हियर, न्यूयॉर्क यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसीआई यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ropes in Chacha Chaudhary and Sabu to educate and motivate young voters. Who is the creator of these cartoon characters? ये क्वेश्चन एक बार केबीसी में, कौन बनेगा करोड़पति में भी आया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने युवा मतदाताओं को शिक्षित करने के लिए, अवेयर करने के लिए और प्रेरित करने के लिए चाचा चौधरी और साबू को नियुक्त आपके यहाँ पर किया है। मतलब चाचा चौधरी और साबू कार्टून का इस्तेमाल किया है। इन कार्टून चरित्रों का निर्माता कौन था? क्वेश्चन ये था कि फेमस कार्टून चाचा चौधरी और साबू, ये करेक्टर किसने डिजाइन किए थे, किसने बनाए थे? ये क्वेश्चन केबीसी में आया हुआ था। इसका सही जवाब बनता है ऑप्शन नंबर ई, यानी कि प्राण कुमार शर्मा। ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर हियर, प्राण कुमार शर्मा के द्वारा ये कार्टून कैरेक्टर्स आपके यहां पर क्रिएट किए गए थे। अफ्रीकन यूनियन विल लॉन्च इट्स ऑन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, वेयर इज इट्स हेडक्वार्टर्स? अफ्रीकी संघ की बात करें तो इन्होंने इस बात की घोषणा की है, ये अपनी स्वयं की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को लॉन्च करेंगे। इसका हेडक्वार्टर कहां पर लोकेटेड है? अफ्रीकी संघ की बात करें तो ये 55 देशों का समूह आपके यहां पर बनता है, और रिसेंटली अफ्रीकी संघ को G20 में परमानेंट मेंबरशिप का दर्जा भी आपके यहां पर, स्थायी सदस्य का दर्जा आपके यहां पर दिया गया है। और इन्होंने इस बात की घोषणा की है कि ये अपनी खुद की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी लॉन्च करेंगे जो कि अफ्रीकन कंट्रीज को रेटिंग देगी, ताकि फॉरेन इन्वेस्टर्स और फॉरेन कंट्रियों को एक सही रेटिंग मिल सके, क्योंकि इन्हें मूडीज और पिच रेटिंग्स, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की रेटिंग पर भरोसा नहीं है। उन्होंने उन पर आरोप लगाया है कि दुनिया की जो टॉप 3 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं वो अफ्रीकन कंट्रीज की रेटिंग ठीक तरीके से नहीं करती। इस वजह से इन्होंने अपनी खुद की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ओपन करने की घोषणा की है। अफ्रीकी संघ का हेडक्वार्टर
आदिस अबाबा इथोपिया की कैपिटल है आदिस अबाबा, ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में भी आया था कि कैपिटल ऑफ इथोपिया, तो इथोपिया की राजधानी आदिस अबाबा बनती है। इथोपिया वही देश है जहां पर दुनिया में सबसे पहले जो कॉफी थी वो आपकी प्रोड्यूस की गई थी। इंडिया में सबसे पहले कॉफी प्रोड्यूस की गई थी बाबा बुदानगिरी हिल्स में, बाबा बुदानगिरी की पहाड़ियों में, जो कि कर्नाटक स्टेट में लोकेटेड है। और यही कारण है क्योंकि सबसे पहले कर्नाटक राज्य में ही कॉफी का प्रोडक्शन शुरू हुआ था। आज भारत में 70% जो कॉफी प्रोड्यूस होती है वो अकेले कर्नाटक स्टेट से आपके यहाँ पर होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन बैंकर बिकेम फर्स्ट टू स्केल द वर्ल्ड्स 8th हाईएस्ट पीक दिस सीजन, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पीक। तो दोनों के नाम आपको यहां पर लिखकर बताने हैं। इस बैंकर का नाम क्या है, इस बैंकर का नाम क्या है जिसने दुनिया की 8वीं सबसे ऊंची पर्वत चोटी को रिसेंटली आपके यहां पर फतह कर लिया है, चढ़ाई पूरी कर ली है, बैंकर का नाम। और दूसरा, दुनिया की 8वीं सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है कमेंट सेक्शन में। तो भारतीय बैंकर ने इस सीजन में दुनिया की 8वीं सबसे ऊंची पर्वत चोटी पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति आपके यहां पर बने हैं। इस पर्वत चोटी का नाम आपका यहां पर क्या बनता है, यह है माउंट मनासलू। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हियर। और यहां पर बैंकर का नाम है सुनील कुमार, ठीक है। इन्होंने माउंट मनासलू को यहां पर चढ़ाई पूरी कर ली है। कामी रीता का नाम आपको याद होगा, नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता, कामी रीता के पास ये खिताब है। इन्होंने सबसे ज्यादा बार माउंट एवरेस्ट को फतह किया है, माउंट एवरेस्ट को सबसे ज्यादा बार फतह करने का रिकॉर्ड कामी रीता के नाम पर है। कामी रीता दुनिया में सबसे ज्यादा 27 बार माउंट एवरेस्ट को फतह कर चुके हैं, ये भी साथ ही साथ याद रखिएगा। वो नेपाल से बिलोंग करते हैं। माउंट एवरेस्ट की बात करें तो माउंट एवरेस्ट जो पर्वत चोटी है, पहाड़ है, इसे नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है। सागर माथा माउंट एवरेस्ट का नाम है कहां पर, नेपाल में। और इसका कारण यह है कि इसे सागर माथा इसलिए कहते हैं क्योंकि जो माउंट एवरेस्ट पर्वत चोटी है वो नेपाल के सागर माथा नेशनल पार्क का हिस्सा है। क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि जो माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल के किस नेशनल पार्क का हिस्सा है, तो नेपाल में एक नेशनल पार्क है सागर माथा नेशनल पार्क, उसी के तहत आता है आपका हिमालय, इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। भारत में एक ब्रिटिश सर्वेयर जनरल थे, ब्रिटिश सर्वेयर जनरल थे, उनका नाम था जॉर्ज एवरेस्ट। पहले माउंट एवरेस्ट के तरह तरह के नाम प्रचलित थे, सागर माथा और दूसरे लोकल नाम, स्थानीय नाम, लेकिन फिर अंग्रेजों ने जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर, जो कि एक ब्रिटिश सर्वेयर जनरल थे, जॉर्ज एवरेस्ट का सरनेम था एवरेस्ट, उनके नाम पर इसका नामकरण एवरेस्ट रखा गया ताकि पूरी दुनिया में ये एक ही नाम से जाना जाए, एक ही नाम से आपके यहां पर ये प्रसिद्ध रहे। 8,848.86 मीटर ये इसकी लेटेस्ट हाइट आपके यहां पर बनती है माउंट एवरेस्ट की, ये भी साथ ही साथ याद रखिएगा, ठीक है, क्लियर है। आगे बात करते हैं, द वर्ल्ड्स 8th हाईएस्ट पीक माउंट मनासलू इज इन विच कंट्री। अब आप इसे स्टैटिक जीके का क्वेश्चन भी समझ सकते हैं या करंट अफेयर्स से मोटिवेटेड स्टैटिक जीके के, विश्व की 8वीं सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट मनासलू किस देश में आपके यहां पर लोकेटेड है, किस कंट्री में लोकेटेड है। सिंपल सा क्वेश्चन, फटाफट से आंसर, माउंट मनासलू किस देश में आपके यहां पर लोकेटेड है, तो ये नेपाल में आपके यहां पर लोकेटेड है। ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंगर्स आर नॉट द पार्ट ऑफ द ऑफिशियल एंथम दिल जश्न बोले फॉर द मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप। निम्नलिखित में से कौन सा गायक या सिंगर मेंस क्रिकेट विश्व कप के आधिकारिक जो एंथम है, गीत है, दिल जश्न बोले का हिस्सा नहीं है, दिल जश्न बोले का हिस्सा नहीं है, मतलब इसमें यह सिंगर शामिल नहीं है। कल हम लोगों ने इस पर डिस्कशन किया था। हाँ, नेपाल में सबसे ज्यादा हिंदू रहते हैं। इन टर्म्स ऑफ द पॉपुलेशन नेपाल की 81% जो आबादी है वो आपकी हिंदू है। अरिजीत सिंह का कोई भी संबंध विश्व क्रिकेट के लिए, जो वर्ल्ड कप के लिए आपका जो गाना रिलीज किया गया है दिल जश्न बोले, उसमें अरिजीत सिंह का कोई योगदान नहीं है। प्रीतम, नकास, अजीज, सरीम चंद्रा, श्री रामचंद्रा, माफी चाहूंगा, और अमित मिश्रा, ये सभी शामिल हैं, अरिजीत सिंह इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्टर हैज बीन फीचर्ड इन द ऑफिशियल एंथम दिल जश्न बोले रिलीज बाय द आईसीसी। आईसीसी के द्वारा जारी आधिकारिक गीत दिल जश्न बोले में किस अभिनेता को दिखाया गया है, जो एंथम सॉन्ग आपका यहाँ पर रिलीज किया गया है उसमें किस अभिनेता को दिखाया गया है, अमिताभ बच्चन साहब को, रणवीर सिंह, रणवीर कपूर, सैफ अली खान या फिर शाहरुख खान। करेक्ट
आंसर यहां पर दिखाए गए हैं रणवीर सिंह, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हियर। साथ ही साथ ये याद रखिएगा कि शाहरुख खान इस साल जो आईसीसी का जो ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप इंडिया में होने वाला है, उसके लिए ब्रांड एम्बेसडर जो बनाए गए हैं वो शाहरुख खान बनाए गए हैं। तो शाहरुख खान बनेंगे ब्रांड एम्बेसडर और रणवीर सिंह को दिखाया गया है उस एंथम सॉन्ग में जो आपका रिलीज किया गया है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड अ न्यू एनिमल स्पीसीज नेम्ड, एक नई पशु प्रजाति की खोज की है जिसका नाम है बैटिलिप्स कलामी, व्हाट इज इट। एक और चीज याद रखिएगा, बैटिलिप्स कलामी का जो नाम आपका यहां पर रखा गया है क्योंकि ये न्यू एनिमल स्पीसीज है, तो इसका जो नामकरण किया गया है वो भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। APJ अब्दुल कलाम जी के नाम पर उनका जो लास्ट नेम है कलाम, उससे इसको नाम दिया गया है कलामी। तो बैटिलिप्स कलामी जो नई पशु प्रजाति की खोज हुई है ये क्या है? ये एक तरीके का टार्डीग्रेड है, मॉन्की है, फिश है, मेंढक है या फिर फ्री टेल्ड बैट है, चमगादड़, ये किसकी प्रजाति है? बैटिलिप्स कलामी ये किसकी प्रजाति है? अच्छा, मेंढक की प्रजाति है बैटिलिप्स कलामी। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का जो आपके यहां पर बनेगा, अच्छा ये बताओ, क्या ये कहीं से मॉन्की नजर आ रहा है, क्या ये कहीं से बंदर नजर आ रहा है, क्या ये कहीं से फ्रॉग नजर आ रहा है? अर्पिता, ये कहां से मेंढक है? गुड मॉर्निंग मोनिका जी, गुड मॉर्निंग मोनिका खेदार जी हमारे साथ जुड़ी हैं, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मोनिका जी। डेली बेसिस पे ये क्लास सुबह 8 बजे कंडक्ट होती है, तो डेली बेसिस पर आप डेली करंट अफेयर सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं सुबह 8 बजे, ठीक है। ये जो आपका है ये है आपका टार्डीग्रेड, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हियर, टार्डीग्रेड। हिमानी लिख रही है, अयो ये क्या है, टार्डीग्रेड कहते हैं इसको, ठीक है। तुम लोग यार बहुत हंसा रहे हो आज, टार्डीग्रेड इसको कहते हैं, बैटिलिप्स कलामी इसका नाम है, नई प्रजाति है जिसे खोजा गया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हिस्टोरिक टेम्पल हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट ग्रीन एनर्जी आर्कियोलॉजिकल साइट, कौन सा ऐतिहासिक मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा, मतलब बेसिकली ग्रीन एनर्जी से रन होने वाला या ग्रीन एनर्जी से अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने वाली जो आर्कियोलॉजिकल साइट आपके यहां पर बनती है, ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल कर रही है ये साइट, तो बेसिकली ये मंदिर आपका कौन सा मंदिर है जहां पर इस मंदिर की ऊर्जा जरूरतें ग्रीन एनर्जी से पूरी होती हैं? ये है कोणार्क का सूर्य टेम्पल या फिर शोर टेम्पल मामलापुरम या फिर सोमनाथ टेम्पल गुजरात या फिर विरुपक्ष टेम्पल कर्नाटका और लिंगराज टेम्पल उड़ीसा। 5 ऑप्शन सही जवाब, करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 सही जवाब। इस क्वेश्चन का क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी सोर टेम्पल मामलापुरम, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जो कि पहला हिस्टोरिक टेंपल बना है, आर्कियोलॉजिकल साइट है, जो कि इंडिया की फर्स्ट ग्रीन एनर्जी आर्कियोलॉजिकल साइट आपके यहां पर बनती है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, ये आप सभी के लिए यहां पर रहेगा होमवर्क, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में यहां पर करना है कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, कि विच डायनेस्टी पैट्रोनेज द कंस्ट्रक्शन ऑफ मामलापुरम सोर टेम्पल अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, क्योंकि यह यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और रिसेंटली ये मंदिर भारत का पहला ग्रीन एनर्जी से रन होने वाला मंदिर आपके यहां पर बना है, तो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल मामलापुरम के तट मंदिर जो कि समुद्र के किनारे लोकेटेड हैं, किस राजवंशों ने इन्हें संरक्षण यहां पर दिया था? चेरा वंश के शासकों ने, चोला वंश के शासकों ने, सातवाहन वंश ने, पल्लव वंश ने या फिर पांड्या डायनेस्टी ने? आपको बताना है। मंदिर का मैं तस्वीर आपको यहां पर दिखा दे रहा हूं, जिन मंदिरों की बात यहां पर लगातार हो रही है, ये जो मंदिर आपके सामने है यहां पर इन मंदिरों की एनर्जी नीड अब इनकी ग्रीन एनर्जी से पूरी होती है,
इन मंदिरों को किस वंश के शासकों के द्वारा प्रिजर्व किया गया है, एंड विच स्टाइल ऑफ द आर्किटेक्चर हैज बीन यूज इन द सोर टेम्पल इन मामल्लापुरम, यानी कि इन मंदिरों को बनाने में किस तरीके की शैली का उपयोग किया गया है। अगर आपने थोड़ा बहुत भी हिस्ट्री पढ़ी है तो हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि दक्षिण भारत में साउथ इंडिया के जो अधिकतर मंदिर हैं वो इसी स्टाइल में बनाए गए हैं। स्टाइल है नागरा स्टाइल, द्रविड़ियन स्टाइल, वसेरा वेसारा स्टाइल, या फिर गंधर्व स्टाइल, या फिर गौथिक स्टाइल। तो ये मंदिर किस स्टाइल में बनाए गए हैं, मंदिर की तस्वीर आपके सामने है। आप तस्वीर देखकर भी बता सकते हैं कि ये जो मंदिर, इसकी जो वास्तुकला है, शैली है, वो किस तरीके की वास्तुकला है। तो इन दो क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। क्लास कंप्लीट होते ही 1 PM का सेशन सभी लोग यहां पर रजिस्टर जरूर कर लीजिएगा। जिन लोगों ने 1 PM का सेशन रजिस्टर ना किया हो जरूर रजिस्टर कर लीजिएगा, ठीक है। दोपहर में 1 बजे आप सभी से मुलाकात होगी जीए के मॉक टेस्ट में। जीए के मॉक टेस्ट सेशन को ज्वाइन करने का तरीका क्या है, सबको पता है ना, क्या करना है, एम्बाइब एप्लीकेशन पर जाना है और बैंकिंग वाले गोल को सिलेक्ट करना है। बैंकिंग वाले गोल के तहत आपको क्या करना है कि आपको जो मेंस एग्जाम है उसकी कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। बैंक एग्जाम के तहत मेंस एग्जाम आपको सिलेक्ट करना है। जीए का सेशन देखने को मिल जाएगा, 1 PM पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और दोपहर 3 बजे आप यहां पर करंट अफेयर्स मैराथन, जो मेंस एग्जाम के लिए अपकमिंग एग्जाम के लिए मैराथन है, मेंस मैराथन, उसको भी ज्वाइन जरूर कीजिएगा। आज के लिए इस सेशन में इतना ही, और माफी चाहूंगा, लैपटॉप को माफ़ी मांगनी चाहिए स्पेशली कि हैंग करने का जो इशू आया और आपका यहाँ पर जो एक्स्ट्रा न्यूज़ थी वो आपकी वहाँ पर सेव नहीं हो पाई और वापस से चीज़ों को वापस से स्टार्ट किया, तो 2 ही न्यूज़ वहाँ पर रिकवर आपकी यहाँ पर हो सकी और 2 न्यूज़ और बाकी के MCQs के साथ आज के सेशन को समाप्त करना पड़ रहा है। आई एम रियली सॉरी, कोई बात नहीं, इनको हम लोग कवर कर लेंगे, एशियन गेम्स की न्यूज़ को। बाकी मैं शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से न्यूज़ को कवर कर रहा हूँ, तो शॉर्ट्स वीडियो भी देखते रहिएगा और आंसर करते रहिएगा। आज के लिए इस सेशन में इतना ही, मुलाकात होगी 1 PM पर आप सभी के साथ एम्बाइब एप्लीकेशन पर जीए के मॉक टेस्ट के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन लाइव एंड कीप एम्बाइबिंग, बिकॉज एम्बाइबिंग इज बेटर देन लर्निंग। कीप एम्बाइबिंग, वी बिलीव इन यू।